हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में 16 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सो जीन पियाजे, इनका जन्म 1896 में हुआ था एंड इनकी डेथ 1980 में हुई थी। ही वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इन्होंने क्या है, साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किया था और ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर माने जाते थे। पियाजे वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे, पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फील्ड में क्या था, बेहतरीन काम किया था, सिस्टमैटिक स्टडी की थी। और एंड इज़ वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग अ स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इन ह्यूमन बींग्स। की ह्यूमन बींग्स में किस तरह से स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, उनके थिंकिंग में किस तरह से परिवर्तन होता है फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, शैशवावस्था से लेकर के वयस्क होने तक बच्चों में किस तरह से स्टेजेस में परिवर्तन होता है, इन्होंने उसके बारे में सिस्टमैटिक वे में बात की थी। सो कीन इंटरेस्ट वॉज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। इनका जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो था कॉग्निटिव में एंड चाइल्ड की साइकोलॉजी में, कि चाइल्ड किस तरह से क्या है बिहेवियर करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। दैट हिज अलोंग विद हिज वाइफ डिवोटेड ऑलमोस्ट ऑल द प्रीशियस ईयर ऑफ हिज अर्ली मैरिड लाइफ इन द स्टडिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड ऑफ देयर ओन 3 चिल्ड्रंस by making them the subject of their laboratory study। इन्होंने किया है कि अपनी जो अर्ली मैरिड लाइफ के जो टाइम था, बहुत ही प्रीशियस टाइम था, वो टाइम अपनी वाइफ के साथ क्या किया, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को डेवलप करने में किया। और इन्होंने अपने 3 बच्चों पर ही ये स्टडी की थी। इन्होंने अपने बच्चों को क्या है एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेबोरेटरी स्टडीज माना और इन्होंने क्या अपने बच्चों में ही जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनमें परिवर्तन हुए, उनको नोट करते रहे वो, और क्या उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट किए और क्या है उसी पर ही उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। एज अ रिजल्ट, इसी के कारण क्या है कि टुडे हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वॉज हैज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसी वजह से, इतने बेहतरीन काम करने की वजह से आज के टाइम में भी उनकी थ्योरी के पैरेलल कोई थ्योरी नहीं बनी है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, ठीक है, किसमें, डेवलपमेंटल की फील्ड में, कॉग्निटिव एंड चाइल्ड साइकोलॉजी की फील्ड में। अब आगे बात करते हैं कॉग्निशन का, कि कॉग्निशन क्या है, संज्ञान का क्या अर्थ होता है। द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, कॉग्नोस्केयर कहते हैं जिसे, जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना, टू रिकॉग्नाइज पहचानना, एंड टू कॉन्सेप्चुलाइज किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना। देन कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज। ये क्या है, एक मेंटल एक्शन है, हमारा दिमाग क्या करता है, एक एक्शन करता है, ये प्रोसेस है ऑफ अक्वायरिंग क्या करना, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस, अपने थॉट के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा, और क्या अपने सेंसेस के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करना, नॉलेज को गेन करना, उसे अंडरस्टैंड करना, यही हमारा कॉग्निशन होता है, संज्ञान होता है, कि हम अपने दिमाग में चीज़ों को किस तरह से फीड करते हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में मौजूद होती है, हम किस तरह से उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं और अपने दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, इसे ही हम कॉग्निशन कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द एमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, एमर्ज करना, थिंक टू एबिलिटी एंड अंडरस्टैंड। जब भी हम चीज़ों को क्या करते हैं, थिंक करते हैं, चीज़ों पर विचारते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी समझ बनाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। चीज़ों के बारे में सोचना, उसकी समझ बनाना और उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना अपने माइंड में। टू
the acquisition of the ability to think, reason and problem solving करना, क्या acquisition करना, चीज़ों को acquire करना, ability to think, चीज़ों को सोचने की ability को develop करना, reason करना कि अगर कोई चीज़ exist कर रही है तो वो क्यों exist कर रही है, ठीक है, उसके पीछे क्या logic है, इसके बारे में जानना, problem अगर कोई आई है सामने तो उसको solve करने का प्रयास करना, यही हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है. It is the process by which people's thinking changes across the life span. इसमें क्या है, एक प्रोसेस होती है जो लोगों की थिंकिंग को चेंज करती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन. हमारे जैसे जैसे क्या है, उम्र बढ़ती रहती है, ठीक है, हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हमारी थिंकिंग चेंज होती रहती है. पहले जो हमारी थिंकिंग थी आज वो हमारी थिंकिंग नहीं है. हर एक मिनट, हर एक सेकेंड हमारी थिंकिंग चेंज होती है. तो क्या है, क्या करना, थिंकिंग में चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट. क्या है, ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडेप्टेशन. जो भी चीज़ हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास होती है, फिजिकल एनवायरमेंट में, सोशल एनवायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं, ठीक है. कोई भी नई चीज़ आती है उसे सीखने की कोशिश करते हैं, उसे ग्रैस्प करते हैं, अडेप्ट करते हैं. तो अडेप्ट करने की और एप्रीहेंशन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाती है. पियाजे स्टडीड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस इन पर्टिकुलर टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट्स प्रोसेस चेंज विद द एज. इन्होंने किस तरह से डेवलप की, इन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया, उन्हें देखा कि कैसे कैसे उम्र बढ़ती है, उम्र चेंज होती है, उनका रिएक्शन चेंज होता है चीज़ों को लेकर के. पहले बच्चे बहुत अनसोशल होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे चीज़ मिल जाए, मैं खुश हूँ बस, और वो सोचते हैं कि अगर मैं खुश हूँ पूरी दुनिया खुश है. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है फिर क्या, वो सोशली इंट्रैक्ट करता है, दूसरों के साथ इंट्रैक्ट करता है, और फिर उसको पता चलता है कि सिर्फ हमारे इमोशंस मैटर नहीं करते, दूसरों के इमोशंस भी मैटर करते हैं. तो किस तरह से बच्चे की थॉट में, बच्चों की थॉट प्रोसेस में चेंज आता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो इस चीज़ को एग्जामिन किया गया पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में. ही पायनर्ड अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ चिल्ड्रंस ग्रो साइकोलॉजी. इन्होंने क्या, ये पायनियर, इन्होंने क्या कि ये फर्स्ट थे, प्राथमिकता थी इनकी, इन्होंने ये देखा कि थिंकिंग में किस तरह से बच्चे के चेंज आता है, ठीक है. वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ चिल्ड्रंस ग्रो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चे किस तरह से ग्रो करते हैं, उनकी थिंकिंग किस तरह से चेंज होती है, इसका पता लगाया इन्होंने. तो आई होप आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीन पता चल गया होगा. इसका मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू थिंक, हमारे सोचने, विचारने और समझने की जो भी एबिलिटी है उसको डेवलप करना, और समय के साथ साथ जैसे जैसे चेंजेस आते हैं चीज़ों को अडेप्ट करना, ठीक है. और क्या है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी एज बढ़ती है, वो लोगों के इंट्रैक्शन में आता है, तो क्या है, वो नई नई चीज़ें सीखता है, मेंटली ग्रो करता है, इसी को ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं. चलिए आगे बात करते हैं. पियाजे ने क्या किया था, फोर की कॉम्पोनेंट्स ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. चार की कॉम्पोनेंट्स की बात की थी, क्या क्या थे वो. पहला था स्कीमा, दूसरा था असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है. इन चार इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट की बात की थी पियाजे ने. चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है. अब बात करेंगे स्कीमा की. स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्या करते हैं, फीड करते हैं. छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं हमारे माइंड में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के. जैसे कि हम कुछ भी चीज़ देखते हैं अपने आसपास, हमने रूम देखा, ठीक है, चेयर, टेबल, एनिमल्स देखे, ह्यूमन बीइंग्स देखे, आसपास जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु, इन सब का हम अपने माइंड में एक स्कीमा बना लेते हैं. स्कीमा मतलब क्या होता है, स्कीमा मतलब होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए. अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को जब हम डेवलप करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बॉक्सेस हमारे दिमाग में बने हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं स्कीमा,
ठीक है. सो स्कीमा आर द मेंटल कॉग्निशन, मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर विच अनेबल्स अ पर्सन टू अडेप्ट एंड टू रिकोगनाइज द एनवायरमेंट. क्या होते हैं ये? मेंटल में और हमारे जो कॉग्निशन है उसमें एक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे ढांचे बने होते हैं, स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, अनेबल करते हैं एक पर्सन को टू अडेप्ट, अडेप्ट करना और ऑर्गेनाइज करना एनवायरनमेंट को, हमारे चारों तरफ के वातावरण को ऑर्गेनाइज करना, उसे समझने के लायक बनाना ही क्या होता है, स्कीमा कहलाता है. स्कीमा आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज दैट हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट. स्कीमा क्या होती है? कैटेगरी ऑफ नॉलेज होती है, ज्ञान होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. जो क्या है, जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, उसकी समझ बनाने के लिए, कि संसार के बारे में जो भी हमारा माइंड क्या करता है, कैटेगराइज कर लेता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं. ये छोटी छोटी कैटेगरीज बनाता है. पियाजे कॉल द स्कीमास द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज. नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी माइंड हर चीज़ के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं. आई होप आपको स्कीमा का मीन पता चल गया होगा. स्कीमा मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, मीन्स हम इंफॉर्मेशन को जब अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस के तौर पर, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं. फॉर इंस्टांस द ह्यूमन बेबी इज बोर्न विद अ फ्यू प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट. जब एक ह्यूमन बेबी का जन्म होता है, ठीक है, तो उसके उसको कुछ चीज़ करनी नहीं आती, कुछ काम नहीं करना आता, वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, ठीक है, वो अपने आप से खाना नहीं खा सकता, वो बहुत छोटा होता है, उसके अंदर बहुत कम रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, बहुत कम प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि सकिंग करना, ठीक है, वो क्या है, दूध पीता है अपने मुंह से, ठीक है, दूध पी लेता है वो, पानी पी लेता है, और हर चीज़ को क्या है अपने सक करने की कोशिश करता है. देन लुकिंग, वो जब भी कोई हम उसकी तरफ बोलते हैं, ठीक है, तो वो लुक करता है, देखता है चीज़ों को, उसको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है. रीचिंग, ग्रेस्पिंग, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है. तो ये क्या है, ये उसके इंस्टिंक्ट जो है, रिफ्लेक्स जो भी मूवमेंट होते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से होते हैं. सो पियाजे नेम दीज एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स सच एज स्कीमा. तो पियाजे ने इन ही एबिलिटीज़ को क्या, स्कीमा का नाम दिया है. तो उसने क्या है, इस चीज़ को अपने दिमाग में क्या कर रखा, स्टोर कर रखा है, तो इसको हम कहते हैं स्कीमा. अब बात करते हैं एसिमिलेशन की. असिमिलेशन का क्या मतलब है, इसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मसातीकरण. सो असिमिलेशन रेफर्स टू ए काइंड ऑफ मैचिंग और एडजस्टिंग बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड द एनवायरनमेंट. क्या है कि इसमें क्या है कि हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से पता है, हमारे दिमाग में किसी चीज़ का स्कीमा पहले से बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा. जो भी हमारे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है उसी के अंदर क्या करते हैं, हम उसको उसमें और इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की कोशिश करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर. एंड द एनवायरमेंट, दिस स्टैंड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फिटिंग और मैचिंग अ न्यू एक्सपीरियंस इनटू अ एग्जिस्टिंग और प्रीवियसली क्रिएटेड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा. कि प्रीवियसली जो भी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप है और हमारे सामने नई सिचुएशन आई हुई है और हमने क्या है उसी स्कीमा का यूज़ करा, ठीक है, उसी में थोड़े से परिवर्तन करे और उसको अपने दिमाग में क्या कर लिया, फीड कर लिया, उसको हम कहते हैं असिमिलेशन करना. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसने एक छोटे पप्पी को देखा, ठीक है, एक छोटे से पप्पी को देखा, तो उसकी क्या चार टांगे हैं, उसकी एक टेल है, ठीक है, उसकी आँखें हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या, एक छोटे पप्पी को लेकर के कि इसे डॉग कहते हैं, ठीक है, तो ये डॉग है. तो उसके बाद क्या है कि जब उसने एक बड़े डॉग को देखा, ठीक है, पप्पी की जगह एक बड़े डॉग को देखा, उसकी भी चार टांगे हैं, ठीक है, उसकी भी चार टांगे हैं, उसके फैदर हैं, ठीक है, वो बड़ा है साइज़ में, है उसकी भी टेल है, ठीक है, बट पहले वाला पपी छोटा था, अब वो बड़ा है, ठीक है. तो जब उसने पूछा, ठीक है, अपने मम्मा से कि ये क्या है, तो उसकी मम्मी ने बोला ये भी डॉग है, ठीक है. तो उसके दिमाग में क्या था, ऑलरेडी डॉग का स्कीमा था कि वो छोटा होता है, बट सेम डॉग बड़ा भी होता है, ठीक है. तो
उसका जो स्कीमा है वो अपने स्कीमा में थोड़ा सा चेंजेस लाएगा, ठीक है। चेंजेस लाने के बाद क्या है, वो देखेगा कि इसे भी डॉग कहते हैं, और डॉग क्या अलग अलग कलर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सिर्फ ब्लैक कलर का डॉग नहीं होता, वाइट कलर का भी होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का भी होता है। तो वो जब अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आएगा, न्यू सिचुएशन और न्यू एक्सपीरियंसेस होने पर, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। For instance, in a situation where a 6 months old infant is given a new toy, जब हम एक 6 महीने के बच्चे को एक नया टॉय देते हैं, it is likely to respond by putting this toy in his mouth, ठीक है। पहले भी उसके पास टॉय होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, उन टॉयज़ को बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को मुंह में सक करते हैं। अब वो उसको सक करता था, जब हमने उसको एक नया टॉय दिया, ठीक है, तो उसने उसको भी क्या किया, सक किया अपने माउथ में। सो टॉय इन हिज माउथ, हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अबाउट द ओल्ड टॉय रिवॉल्व अराउंड द सकिंग स्कीमा। तो उसका जो ओल्ड टॉय था, ठीक है, उसने जो स्कीमा क्रिएट किया हुआ था उसको सक करने का अपने माउथ में, तो जब न्यू टॉय मिला उसको तो उसने भी उसको सक किया, तो उसकी जो ओल्ड उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलप था सकिंग का, तो उसने उसको नए सिचुएशन में भी अप्लाई किया। देयरफॉर He at once respond by performing the act of sucking. तो sucking के द्वारा पता चला कि उसने वही चीज़ को क्या respond किया, ठीक है, वही चीज़ perform की। तो इसको हम assimilation कहते हैं, आत्मसातीकरण, कि कोई भी नई situation आई है और हमारे mind में पहले से ही exist कर रही है उसका concept, ठीक है, उसमें ही नई situation में कोई परिवर्तन करना, ठीक है, उसमें परिवर्तन करके अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में फीड करना क्या कहलाता है, असिमिलेशन कहलाता है। आई होप इसको आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट में क्या करना, एडजस्ट करना और क्या करना, मैच करना चीज़ों को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। अब क्या था कि असिमिलेशन में हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज में चेंजेस किए, ठीक है, और उसको उसी स्कीमा में ऐड की न्यू इन्फॉर्मेशन को। बट अकोमोडेशन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, अकोमोडेशन रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग इन प्लेस ऑफ असिमिलेटिंग और बिहेविंग इन द सेम ओल्ड फैशन थिंग। इसमें क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे न्यू वे ऑफ थिंकिंग, हम इसमें नई वे ऑफ थिंकिंग को लेकर के आएंगे, ठीक है, पुरानी चीज़ की जगह हम नई चीज़ को सोचेंगे, नई चीज़ को लेकर के आएंगे। दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा डजेंट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील अ न्यू ऑर्डर, न्यू ऑब्जेक्ट और अ न्यू सिचुएशन। इसमें क्या है कि जब हमारा स्कीमा जो हमने पहले से बनाया हुआ था वो वर्क नहीं करता नई सिचुएशन में, तब हम उसकी जगह एक नए स्कीमा को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब डॉग देखा, ठीक है, बच्चे ने एक डॉग देखा, अब बच्चे ने डॉग की जगह एक कैट को देखा, ठीक है, कैट को देखा, कैट के भी चार पैर थे, ठीक है, उसकी भी टेल थी, ठीक है, तो बच्चे ने मम्मा से पूछा कि ये क्या है, कि ये मम्मा को कहा कि ये कैट है, तो उसकी मम्मा ने कहा नहीं, ये कैट, ये डॉग नहीं, ये कैट है, ठीक है। ऐसे ही वो गाय को भी देखता है तो उसको भी क्या कहता है, डॉग कहता है। बट जब उसको ये बताया गया कि नहीं, कि हर एक चार टांग वाला, ठीक है, क्या नहीं होता, डॉग नहीं होता, तो उसके माइंड में फिर क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि कैट अलग होती है, काउ अलग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नई चीज़ उसके माइंड में क्या करी, घर कर गई, तो इसको नया स्कीमा कहेंगे हम, तो इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। जब हम हमारी प्रीवियस नॉलेज नई सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं अकोमोडेशन करना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर इंस्टांस, इफ़ ए न्यू टॉय इज़ गिवन टू अ चाइल्ड विच इज़ बिग टू पिक, ठीक है, टू बिग टू बी पिक अप एंड प्लेस्ड इन द माउथ। जब पहले बच्चे को छोटा टॉय दिया था, ठीक है, उसके पुराने टॉय जैसा ही टॉय दिया, तो उसने क्या किया, उसने अपने माउथ में सक किया। अब बच्चे को एक बड़ा टॉय दे दिया, ठीक है, जो उसके हाथ में भी नहीं आ रहा है, तो उसको काफ़ी बड़ा टॉय दे दिया, ठीक है, तो अब क्या करेगा वो, उसको
उसको वो माउथ में प्लेस नहीं कर पाएगा. इट विल सर्टनली नीड टू चेंज और मॉडिफिकेशन इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. अब वो उसको अपने माउथ में सक नहीं कर पाएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा अपने बिहेवियर को, उसको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग स्कीमा. ठीक है, उसका वो चीज़ जो है पुरानी नॉलेज उसके काम नहीं कर रही. सो कॉन्सिक्वेंटली नाउ इंस्टेड ऑफ सकिंग द चाइल्ड में रिस्पॉन्ड बाई पुशिंग और ग्रेस्पिंग द टॉय. अब क्या करेगा वो, उसको सक नहीं करेगा, नहीं कर सकता वो, उसकी जगह वो रिस्पॉन्ड उसको पुश करने की कोशिश करेगा, उस टॉय को धक्का मारेगा, वो ग्रैस्प करने की कोशिश करने, हाथों में पकड़ने की कोशिश करेगा. दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन. इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन करना, कि जब हमारी प्रीवियस नॉलेज नई सिचुएशन में काम नहीं करती है, ठीक है, तो हमें अपनी नॉलेज को चेंज करना पड़ता है, एक नया स्कीमा डेवलप करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन. आई होप आपको अकोमोडेशन का मीन क्लियर हो गया होगा. अब आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम. पियाजेट असर्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन और अकोमोडेशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट और टू मेंटेन अ हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द एनवायरमेंट. इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस क्रिएट करना. ठीक है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, जो भी चीज़ हम नई सीख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हमारे अंदर परिवर्तित हो रही है, उन सब के बीच में बैलेंस को क्रिएट करना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है. ठीक है, एडजस्ट करना. अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म, लोगों को क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है टू एडजस्ट एंड टू मेंटेन ए हारमोनियस रिलेशनशिप, एक परस्पर एक सामंजस्यपूर्ण रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट, खुद के बीच में और क्या उसके एनवायरमेंट के बीच में जब परस्पर संबंध स्थापित करने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम, बैलेंस क्रिएट करने में. सो दिस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम बाय द पियाजे. प्याजे ने इस बैलेंस को, ठीक है, जब नई चीज़ में, जबकि पुरानी चीज़ पुराने स्कीमा में, पुराने इन्फॉर्मेशन में कोई नई चीज़ को हम ऐड करते हैं और फिर जब वो बैलेंस हो जाती है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. चलिए आगे बात करते हैं, स्टेजेस के बारे में बात करते हैं. पहले हमने की कंपोनेंट्स की बात की, अब हम बात करेंगे स्टेजेस की. प्याजे ने 4 स्टेजेस को डिफाइन किया है कि किस किस तरह से, किस किस एज ग्रुप में बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं. पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज. जब बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है, अपने सेंसेस का यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है, इसको ये 0 to 2 years में होती है. इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन. बच्चा अपने सेंसेस से और अपने एक्शन से इस संसार के बारे में क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करता है. अपने आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करता है, ठीक है, और अपनी मोटर स्किल्स का, अपने हैंड्स का, इनका अपने हैंड्स का, अपने फीट्स का यूज़ करके जो भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है, उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज में इंक्लूड करते हैं. उसके बाद बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, तब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है. इसमें क्या करता है बच्चा, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस. वो क्या करता है कि लैंग्वेज, जब उसको बोलना आ जाता है, बोल करके और मेंटल इमेज, अपने दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट की इमेजेस बना लेता है, उसके द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. उसके बाद 7 से 12 साल का बच्चा क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, वो मूर्त अवस्था में होता है. उसको जो भी चीज़ उसके सामने प्रेजेंट है उसको देख करके सीखता है, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है. अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगराइज. लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है उसको, सोचने समझने की, उसकी रीज़न करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, और कैटेगराइज करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है. जब बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, टीनेजर अवस्था में होता है बच्चा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, 12 to 15 years का जब बच्चा होता है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है. अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग. इसमें बच्चा के हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग, उसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो जाती है. वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, एंड क्या हाइपोथेटिकल रीजनिंग करने लग जाता है बच्चा. चलिए अब हम चारों स्टेजों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं. बात करते हैं सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज की. अब सेंसरी मोटर स्टेज क्या है,
देखते हैं। सो ये 2 से 7 साल की अवस्था है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, द इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड, जो बच्चा होता है, एक शिशु होता है, वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को, कैसे, डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर कॉन्टैक्ट, क्या करने की कोशिश करता है वो, अपने सेंसेस से, डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड सेपरेशन, एंजाइटी डेवलप ड्यूरिंग दिस एज। बच्चे में क्या, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। पहले क्या, 9 से 10 महीने का जो बच्चा होता है, ठीक है, अगर आप उसको कोई टॉय दिखाते हो और उसको आप फिर बाद में छुपा लेते हो, तो उसको ऐसा लगता है कि ये टॉय गायब हो गया है, अब ये टॉय एग्जिस्ट नहीं करता। बट जब सेंसरी मोटर स्टेज खत्म होती है, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, ठीक है, तो क्या है, बच्चा, अगर आप बच्चे को कोई चीज़ दिखा रहे हो, उसको छुपा लेते हो, ठीक है, ब्लैंकेट में आपने कोई चीज़ दिखाई, उसको छुपा दिया, बच्चा ब्लैंकेट हटा के उस चीज़ को ढूंढेगा। बच्चे को पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में भी, अगर उसको उसकी आंखों के सामने से हटा भी दिया जाए तो। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है। सो द चाइल्ड यूज द सिम्बल्स, बच्चे को बोलना आ जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करता है, इमेजेस का इस्तेमाल करता है टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, बट डज नॉट रीजन लॉजिकली, बट लॉजिकली नहीं सोचता वो, ठीक है, बच्चा लॉजिकली नहीं सोचता। अब जैसे बच्चा फुटबॉल खेलता है, ठीक है, या बॉल खेलता है, वो राउंड होती है, ठीक है, वो आसमान में स्टार्स देखता है, वो मून देखता है, सन देखता है, उनको भी क्या राउंड मानता है, वो ये मानता है कि ये भी राउंड है, वो भी राउंड है, मतलब अपनी तरफ से क्या है, और फ्रूट्स को भी राउंड समझता है, वो अपनी तरफ से लॉजिक लगाने लगता है, तो इलॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चे की। द चाइल्ड ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू प्रिटेंड करने की, देन ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड बहुत ईगो सेंट्रिक होता है, बच्चा क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, अगर वो रो रहा है और वो चाहता है कि दूसरे का खिलौना, उसके भाई का, बहन का खिलौना छीन के उसको दे दिया जाए, तो वो खुश हो जाएगा, चाहे उसका भाई या बहन रोता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको खुद की खुशी से मतलब होता है, तो बच्चा बहुत ईगो सेंट्रिक होता है। अब बात करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जब बच्चा 7 से 12 साल का होता है, वो होता है कंक्रीट अमूर्त अवस्था में होता है। तो इसमें क्या है कि द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली, इस अवस्था में बच्चा लॉजिक थिंकिंग नहीं कर पाता, ठीक है, मनगढ़ंत कहानियां बनाता है बच्चा, ठीक है, इसमें क्या लॉजिक थिंकिंग है, उसको लॉजिक्स पता है चीज़ों के, ठीक है, कि पानी क्यों आता है, बारिश क्यों होती है, ठीक है, तो उसको हर चीज़ की एक क्या है लॉजिक थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड कैन डज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, वो चीज कंक्रीट जो भी उसके सामने चीज़ें दिख रही हैं उसी के अंदर ऐड कर सकता है नई चीज़ों को, उसी के अंदर से कुछ चीज़ों को घटा सकता है, बट जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उसके बारे में उसको सोच नहीं सकता। द चाइल्ड ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंजर्वेशंस, बच्चा क्या कंजर्वेशन को सीख सकता है, सीख जाता है चीज़ों को, कि अगर एक चीज़, ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल बताएंगे आपको, ठीक है, तो कंजर्वेशन जो है वो बच्चा सीख जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 12 साल से लेकर के 15 साल का बच्चा इस स्टेज में होता है। द अडोलसेंट कैन रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड थिंक हाइपोथेटिकली टर्म्स, बच्चा क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है चीज़ों को, जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी लॉजिक लगा लेता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल परिकल्पनाएँ करने लगता है चीज़ों की। अब चलिए डिस्कस करते हैं इसे। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा 0 से 2 ईयर्स की एज में होता है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखने लगता है। सेंसरी मींस सेंसेस एंड मोटर मींस बॉडी मूवमेंट, ठीक है, सेंसेस मींस जो उसकी 5 सेंसेस होती हैं उसका इस्तेमाल करता है, देखने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है, अगर उसको भूख लग रही है तो पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, ठीक है, तो क्या करता है वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, अपने मसल्स का, फिंगर्स का इस्तेमाल करता है, तो उसको हम कहते हैं बॉडी मूवमेंट। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड्स नॉलेज इज लिमिटेड टू सेंसरी परसेप्शंस, यहाँ पर इस एज में क्या होता है बच्चे की जो नॉलेज होती है, बच्चे का ज्ञान सिर्फ अपनी सेंसरी परसेप्शन पर ही क्या करता है डिपेंड करता है, वहीं तक लिमिटेड होता है। एंड सिंपल मोटर एक्टिविटी, बिल्कुल सिंपल मोटर एक्टिविटीज़ जो उसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब कोई एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता जिन चीज़ों को करने के लिए, वो मूवमेंट्स बच्चे की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
लुकिंग करना, ठीक है, बच्चा किसी को देख रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, ठीक है, उसको प्यार से बुला रहा है, वो उसकी तरफ देख रहा है, लुकिंग करना, सकिंग करना, ठीक है, मुंह में कोई भी चीज़ डालता है वो मुंह में डालता है, सक करता है चीज़ों को, टॉयज़ दे दो उसको, ठीक है, दूध की बॉटल है वो उसको भी क्या करता है, सक करता है, देन ग्रैस्प करना चीज़ों को, पकड़ने की कोशिश करना, क्राइंग करना, रोना, रीचिंग, चीज़ों तक पहुँचने की कोशिश करना, ये उसके क्या होते हैं, रिफ्लेक्स मोमेंट होते हैं। बच्चा बस जब जब सेंसरी मोटर स्टेज में होता है इतनी ही चीजें कर पाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि छोटा बच्चा है, ठीक है, अब एट 9 मंथ्स कैन इमिटेट, 9 महीने का बच्चा क्या करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता है, देन डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस एट दिस स्टेज, इस स्टेज के एंड तक क्या बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अंडरस्टूड द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शन, सेंसेस और मोटर एक्शन के थ्रू क्या करता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाता है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, सो द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ, द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ इन्फिनेट बिहेवियर रिफ्लेक्ट इनेट रिफ्लेक्सेस, उसके अंदर इनेट होते हैं, जन्मजात कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू पर्टिकुलर स्टिम्यूली सच एस, कोई भी स्टिम्यूली है, कोई भी एनवायरमेंट में कोई भी चीज़ देख रहा है, वो चीज़ों को सुन रहा है, ठीक है, अपने आस पास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, बच्चा क्या करता है कि बच्चा इस एज में क्या करता है, सक करता है चीज़ों को, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, बच्चा हर चीज़ को क्या करता है, सक करता है, जैसे अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा भी बच्चा क्या करता है, अपने माउथ में सक करता है, उसको कोई टॉय दे दो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको क्या करता है, सक करने की कोशिश करते हैं, ग्रैस्प करता है चीज़ों को, नी जर्किंग, ठीक है, अपने क्या है घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, अपने आईलिड्स को, अपनी पलकों को झपकाता है, तो बच्चा क्या छोटे छोटे रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है जिसको करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स पे नहीं करने पड़ते बच्चे को, तो इस एज में बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, एक्शंस में कोऑर्डिनेशन होता है उसके, अब आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है उसको भूख लगती है वो एकदम से रोने लग जाता है, ठीक है, रोता है, रोने से रोना और भूख लगना एकदम से क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तो जैसे ही वो रोएगा तो मम्मी को उसकी पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो उसको दूध की बॉटल दे देते हैं। तो इन इन्फेंट्स एक्शंस आर वेल कोऑर्डिनेटेड एट दिस स्टेज, उसके एक्शंस पूरी तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर इंस्टांस वही वाली बात है कि इफ़ ही नीड मिल्क, ठीक है, उसको दूध की ज़रूरत है, ही क्राइज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हंगर, तो वो भूख लगने पे क्राई करता है, जैसे आप देख रहे हो बच्चा क्या रोने लग जाते हैं कि मुझे भूख लगी हुई है, तो वो क्या एक तरह से सिग्नल देता है अपनी मम्मा को कि मुझे भूख लगी हुई है, इनके जो एक्शन है उनमें कोऑर्डिनेशन पाया जाता है इस एज में। क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है इस उम्र में, सो द इन्फिनिट बिकम्स क्यूरियस अबाउट द न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं, आप बच्चों को जैसे कोई नया खिलौना दिखाते हो तो वो एकदम से क्या उसको लेने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी तरह से देखेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है, तो क्या बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, वो सारे चीज़ों को सारे खिलौनों को तोड़ देते हैं। देन इमिटेशन, बच्चे क्या दूसरों की नकल करने लगते हैं, अगर आप बच्चों के सामने जो भी चीज़ करोगे, जैसे कि आप बच्चों के सामने ताली बजाओगे, ठीक है, तो बच्चे भी ताली बजाएंगे, अगर आप बच्चे को जीभ दिखाते हो तो बच्चा भी वही सेम जैसे आप करते हो बच्चा भी बिल्कुल सेम इस एज में करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है, नकल करता है बच्चा। सो द इन्फिनिट शोज टेंडेंसी टू इमिटेट और रिपीट बिहेवियर और एक्शन, आपके बिहेवियर को आपके एक्शंस को बिल्कुल रिपीट करेगा बच्चा इस एज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे हमने आगे बात करी थी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चे के अंदर, द चाइल्ड रियलाइजेस दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ द साइट, अगर उसकी साइट से दूर है, उसकी आंखों की उसकी नज़रों के सामने से अगर कोई चीज़ दूर है ना, तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, बच्चा ये चीज़ समझ जाता है। फॉर इंस्टांस इफ यू हाइड अ टॉय इन द ब्लैंकेट, द इन्फेंट विल ट्राई टू लिफ्ट द ब्लैंकेट एंड सर्च फॉर द टॉय, अगर आपने क्या किया बच्चे को टॉय दिखाया और उसको क्या ब्लैंकेट में छुपा दिया, कंबल में छुपा दिया, तो बच्चा क्या करता है ब्लैंकेट को हटा करके उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है, उसको पता है कि टॉय उस ब्लैंकेट के नीचे है, तो बच्चे के अंदर क्या है स्टेज के ख़त्म होने तक क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो फीचर है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड स्टेज की, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था में होता है तो बच्चा किस में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज,
इस उम्र में बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, बच्चा बोलना शुरू करता है, ठीक है, सिंबल्स चिन्हों का इस्तेमाल इशारे करना सीख जाता है बच्चा, ठीक है, किसी चीज़ को किस तरह से क्या है कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, किस चीज़ को किस तरह से बोल करके बताना है उसको, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट, ये पीरियड होता है लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट के डेवलप होने का, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चे की लाइफ का, बच्चे की लाइफ का क्या बहुत जिसे कहते हैं ना 90% विकास जो होता है बच्चे का इसी एज ग्रुप में हो जाता है। तो इसमें क्या करता है बच्चा कि थिंक अबाउट थिंग्स इन टू नॉट प्रेजेंट, ये जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी थिंक करता है, ठीक है, वही बात है ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाता है, जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी थिंक करने लग जाता है। फैंटेसी प्ले, ठीक है, वो क्या करता है ख्याली दुनिया में रहता है, कार्टून्स की दुनिया में रहता है, ठीक है, बच्चों के साथ अगर उसको टॉय दे रखे हैं, ठीक है, उसके पास टॉय है तो टॉय के साथ खेलता है और सोचता है कि टॉय क्या है, ये क्या करते हैं ये टॉय भी इंसान जैसे ही हैं, ठीक है, उसी के जैसे हैं ये। देन थिंकिंग ईगोसेंट्रिक डोमिनेटेड बाय परसेप्शन, ये क्या होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू टू सब स्टेजेस, इसको भी दो स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला प्री कॉन्सेप्चुअल फेज जो कि 2 से 4 साल की अवस्था है, हियर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकम्स इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय सिंबॉलिक एक्टिविटी, इसमें क्या है कि बच्चों का जो कॉग्निटिव है, जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है, वो बहुत तेज़ी से क्या डोमिनेट करता है सिंबॉलिक एक्टिविटी, बच्चे सिंबल्स के थ्रू चिन्हों के द्वारा क्या करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं अपना। द चाइल्ड कैन यूज सिंबल्स टू अंडरस्टैंड फॉर एक्शंस, सिंबल्स का यूज़ करके क्या करते हैं एक्शंस को क्या करते हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। A toy doll stands for a real baby or the real role play mummy daddy language also develop during this stage, जैसे toys के साथ खेलते हैं, ठीक है बच्चे, और क्या समझते हैं कि रियल है और ये रियल में बेबी है और क्या करते हैं मम्मी पापा का खेल खेलते हैं, खुद मम्मी बन जाते हैं, एक बच्चा पापा बन जाता है तो क्या करते हैं टॉय के साथ खेलते हैं कि ये हमारा बच्चा है। इस तरह से बच्चे क्या करते हैं कि सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होते बच्चे के कि मम्मी कौन होती हैं पापा कौन होते हैं, ठीक है, बच्चे बस क्या करते हैं एक्ट करने लग जाते हैं, इमिटेट करने लग जाते हैं। देन इंट्यूटिव फेस, 5 से 7 साल का बच्चा इंट्यूटिव फेज में होता है। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द थिंकिंग बाय द वे इन विच चिल्ड्रन बेस देयर नॉलेज ऑन व्हाट दे फील और सेंसेस टू बी ट्रू बट येट दे कांट एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाट दे फील और सेंसेस। इसमें क्या होता है कि बच्चा फील तो करता है चीज़ों को अपने सेंसेस के द्वारा बट वो क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है इस एज में। अब बात करते हैं इस एज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप हो जाते हैं, वो चीज़ों को बोलने लग जाता है क्लियरली। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट डेवलपिंग, इस एज में क्या बच्चों की लैंग्वेज क्या होती है डेवलप हो जाती है। परसेप्चुअल थॉट्स बच्चे के डेवलप हो जाते हैं, द चाइल्ड थॉट इज डोमिनेटेड बाई परसेप्शंस, हिज एक्सप्रेस हिज वर्ड्स इन सिंबल फॉर्म्स, उसके क्या है परसेप्शन क्या है डोमिनेट करने जाते हैं, थॉट्स इज डोमिनेटेड एंड हिज एक्सप्रेस हिज वर्ल्ड इन सिम्बॉलिक फॉर्म, वो सिम्बॉलिक फॉर्म में क्या चीज़ों को एक्सप्रेस करने लग जाता है चिन्हों के द्वारा। ईगोसेंट्रिक होता है बहुत ज़्यादा बच्चा, द चाइल्ड एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ही थिंक्स एवरी वन थिंक्स द सेम एज ही डज, कि वो उसको ऐसा लगता है जो वो सोचता है, अगर वो खुश है तो पूरी दुनिया खुश है, अगर वो उदास है तो पूरी दुनिया उदास है। ईगोसेंट्रिक होता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है स्टेज में बच्चा। अब बात करते हैं आगे रियलिस्टिक अप्रोच, बच्चे की अप्रोच बहुत रियलिस्टिक होती है, ठीक है, सो द चाइल्ड इमेजिन्स एंड डू ड्रीमिंग, बच्चा क्या करता है चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, चीज़ों को क्या करता है कि रियल लाइफ में चीज़ें हैं जैसे कार्टून है, ठीक है, कार्टून को इमेजिन करता है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सपने देखता है, ठीक है, तो बच्चे की ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है। देन एनिमिज्म की दुनिया में रहता है, ट्रीटिंग इनएमिनेट ऑब्जेक्टिव एज लिविंग वंस, जो भी चीज़ें क्या हैं रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करती उनको भी सोचता है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, लिविंग हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
चिल्ड्रन ड्रेसिंग एंड फीडिंग देयर डॉल्स एज इफ़ दे आर अलाइव, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने डॉल्स को, अपने टॉयज़ को क्या करते हैं ड्रेस पहनाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एनिमिज्म की दुनिया में होते हैं बच्चे, ठीक है, कार्टून देखते हैं, डोरेमोन देखते हैं, छोटा भीम देखते हैं, सोचते हैं रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं ये, तो एनिमिज्म की दुनिया में बच्चे रहते हैं। कंजर्वेशन है इन रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं रिवर्स नहीं कर पाते चीज़ों को। जैसे द प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रंस एट द इंट्यूटिव स्टेज आर, जब बच्चा क्या है 5 से 7 साल की उम्र में होता है, इंट्यूटिव स्टेज में होता है, तो क्या अनेबल टू कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज नंबर, क्वांटिटी और नंबर में क्या नहीं कर पाता वो, कि वो पता नहीं लग पाता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है। अगर उनको इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ दे दी जाए और उसको अगर हम किसी बड़ी चीज़ में क्या कर दे कन्वर्ट कर दे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जो चीज़ बड़ी है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी है। एज मे बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, अब हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया था पियाजे ने, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू द प्री ऑपरेशनल स्टेज 5 years old, 5 साल का बच्चा है, ठीक है, शो 2 identical containers, उसको 2 एक जैसे कंटेनर दिखाए गए, ठीक है, फिल्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ कलर्ड वाटर, सेम क्वांटिटी का ब्लू कलर का पानी इन दोनों कंटेनर्स में डाला गया। द चाइल्ड विल अग्री दैट बोथ हैव द सेम अमाउंट, तो चाइल्ड को दिखाया, चाइल्ड मान गया कि हाँ दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। देन नाउ द एक्सपेरिमेंटर पोर्स द वाटर फ्रॉम वन ऑफ द कंटेनर इन टू द टॉलर बट द नैरोअर कंटेनर एंड आस्क द चिल्ड्रन टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर विद द अमाउंट इन वन। इन्होंने क्या किया कि इस कंटेनर का पानी इस टॉलर कंटेनर में क्या कर दिया, पोर कर दिया। अब बच्चे से पूछा गया कि दोनों में से किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चे ने क्या बताया कि इस वाले में जो डॉलर कंटेनर है इसमें ज़्यादा पानी है। द चाइल्ड टू कंजर्व इन द आइटम ऑफ क्वांटिटी मेक द चाइल्ड थिंक दैट देयर इज़ मोर वाटर इन द टॉलर कंटेनर, इसमें ज़्यादा पानी है। इवन वैन द चाइल्ड हैज़ ऑब्जर्व दैट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ बीन पोर इट, और बच्चे को पता था कि ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही इसके अंदर पोर किया गया है, फिर भी वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, उसके अंदर ज़्यादा पानी है, वो इस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, रिवर्स नहीं कर पा रहा है। अब जैसे बच्चे को हम अगर कुछ चीज़ सिखाते हैं, बच्चे को हम सिखाते हैं कि 2 × 5 = 10 होते हैं, तो अगर हम बच्चे से पूछें कि 5 × 2 क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा कि ये 10 होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ उसको दिख रही हैं, ठीक है, तो जो चीज़ उसको दिखाई गई है उसी पे बिलीव करता है, ठीक है, अगर उसको हम कन्वर्ट कर दें किसी और चीज़ में तो वो उसको समझ नहीं पाता है। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या है, ए चाइल्ड इज शोन दैट सेट ऑफ ब्रेड, 2 sets of bread अरेंज्ड इन 1:1 correspondingly, उसको क्या है ब्रेड्स दिखाई गई, यहाँ पर भी 4 breads हैं, यहाँ पर भी 4 breads हैं। द चाइल्ड इज़ आस्क्ड इफ़ द ब्रेड इन द 2 rows आर इक्वल इन नंबर, ठीक है, द चाइल्ड वुड से दे आर, बच्चे को दिखाया कि ये भी ब्रेड सेम है, ये भी सेम है, तो उसने कहा हाँ ये दोनों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्रेड इन 1 row आर स्पेस्ड फर्दर अपार्ट एंड द चाइल्ड देन आस्क्ड टॉल, ठीक है, मोर ब्रेड, अब क्या किया कि अब इन ब्रेड्स को, ये भी 4 bread है, इनको क्या कर दिया, फैला दिया। अब बच्चे से पूछा कि इन दोनों में से कौन सी ब्रेड ज़्यादा है, द चाइल्ड बिलोंगिंग्स टू द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ लाइकली टू से दैट द बॉटम रो हैज़ मोर ब्रेड, उसको ये पास दिखी तो उसको लगा कि ये ज़्यादा है और ये कम है, ठीक है, सो दस वी फाइंड दैट द चाइल्ड बिलोंगिंग्स टू प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ मार्क्ड इन एबिलिटी टू कंजर्व बोथ द क्वांटिटी और नंबर। तो हम इससे क्या पता लगा सकते कि बच्चे के अंदर इनएबिलिटी है, अभी बच्चे के अंदर ये चीज़ नहीं है कि अगर ये 4 हैं ये भी 4 हैं तो ये सेम होंगी, उनको नहीं पता, उसको जो चीज़ ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा है, तो वो क्या कर नहीं पाता, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती उसके अंदर। अब हम बात करते हैं हमारी 3rd stage की, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़ करेक्टराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लॉजिक, बच्चा लॉजिक का एकदम अप्रोप्रिएट यूज़ कर पाता है। हमारी पहली स्टेज में क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करता, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है,
इस स्टेज में बच्चे को लॉजिक आ जाता है, हर चीज़ का लॉजिक आ जाता है, ठीक है, कि दिन होता है तो सूरज क्यों निकलता है, रात होती है तो चांद क्यों निकलता है, बारिश क्यों होती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में डेवलप हो जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ें सामने उसके प्रेजेंट हैं, मोर चीज़ें हैं, उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग लगा पाता है बच्चा। The logical thinking of the child develops but find difficult in applying his logic to abstract problem. ठीक है, बच्चा क्या करते हैं कि logical thinking तो लगा पाता है, जो उसके सामने present है उसके बारे में सोच पाएगा, उसमें add कर पाएगा, subtract कर पाएगा, but जो चीज़ उसके सामने present नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता बच्चा इस stage में। Understanding of conservation, इसमें वो conservation चीज़ें सोच पाएगा। अब जैसे इन examples में बच्चा क्या स्टेज में सोच नहीं पा रहा था, बट जब बच्चा क्या होता है कंक्रीट स्टेज में होता है तो बच्चे को पता है कि ये भी सेम अमाउंट है, ये भी सेम अमाउंट है, और क्या है अगर यहाँ पे 4 ब्रेड्स हैं, यहाँ पे 4 ब्रेड्स हैं, ये तो ये दोनों इक्वल हैं, बच्चा ये चीज़ों को समझने लग जाता है। देन आगे बात करते हैं कि द चाइल्ड अंडरस्टैंड ऑपरेशनल यूनिट लाइक लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, इन सब के बारे में इन कॉन्सेप्ट को भी डेवलप कर लेता है बच्चा। लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग करता है, चाइल्ड थिंक बिकम्स मोर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ड्यूरिंग दिस एज। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण करने लग जाता है वो। द चाइल्ड इज एबल टू क्लासीफाई द थिंग्स एंड प्लेस दैम इन पर्टिकुलर ग्रुप्स, चीज़ों को समझने लग जाएगा। अगर हमने बच्चों को नंबर्स दे दिए और हमने कहा है कि बच्चों को सम संख्याएं अलग लिखनी है, विषम संख्याएं अलग लिखनी है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं, इसको एक कैटेगरी में बनाना है, 1, 3, 5, 7 ये क्या है विषम संख्याएं, इनको अलग कैटेगरी में बनाना है। अगर किसी चीज़ को घटते क्रम में लिखना है तो उसका वर्गीकरण कर सकता है, बढ़ते क्रम में उसका वर्गीकरण कर सकता है। बच्चों के अंदर क्लासिफिकेशन की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिलेशन शिप अमंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव, और चीज़ों के बीच में क्या संबंध एग्जिस्ट होता है उसके बारे में भी उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। डिसेंट्रेशन आ जाता है बच्चे में कि बच्चा एक ही एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचता, फिर बच्चा एक ही चीज़ के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी सोचने लग जाता है। वेयर द चाइल्ड टेक्स इन टू अकाउंट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, एक कोई समस्या आई है तो उसके सिर्फ एक पक्ष को ना देख करके अलग अलग पक्षों को देख कर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाता है बच्चा। अब बात करेंगे हमारी फोर्थ स्टेज की, जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा 12 से 15 साल का होता है। दिस इज द मोस्ट कंप्लीट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग टेक्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड शेप एट दिस स्टेज एज द चाइल्ड लर्न्स टू डील विद अब्स्ट्रैक्शन बाय लॉजिकल थिंकिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है ये बच्चे के डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है इस स्टेज के अंदर, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड शेप जो है बच्चे के बुद्धि को वो मिल जाता है। चाइल्ड लर्न्स टू डील, इसमें क्या बच्चा अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देख करके अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोचता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग लगाने लगता है। कोई पहली स्टेज में क्या था, बच्चा जो जिस सामने प्रेजेंट है उसके बारे में सोचता है, बट इस स्टेज में अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी लॉजिक लगा सकता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल थाट्स बिकम इंक्रीजिंगली फ्लैक्सीबल एंड अब्स्ट्रैक्ट, बच्चे के जो थाट्स हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं फ्लैक्सीबल होते हैं, वो चीज़ों में परिवर्तन ला सकता है, कोई भी नई चीज़ को, नए कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में डेवलप कर सकता है, पुरानी चीज़ों को डिलीट कर सकता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है उसके अंदर अमूर्त चीज़ों के प्रति, देन एंड कैरी आउट सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, और सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करता है। द एबिलिटी टू सिस्टमैटिकली सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड मैथोडोलिकल वे, वो क्या करता है लॉजिक और मैथोडोलॉजिकल वे में क्या करता है चीज़ों को सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट, उसको पता चलता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है, हर चीज़ रिलेटिव है, चेंज होती रहती है। स्किल्स सच एज लॉजिकल थाट्स, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है उसके अंदर, सिस्टमैटिक प्लानिंग करने लगता है, इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव लॉजिक लगाने लगता है। जर्नल क्या करता है, जर्नल से लेकर के क्या है
अब्स्ट्रैक्ट तक जा सकता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा सकता है बच्चा, ठीक है। इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों तरह के लॉजिक आ जाते हैं। अंडरस्टैंड दैट द रूल्स ऑफ एनी गेम्स आर सोशली और सोशल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय मैन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड हैंस कुड बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। उसको पता चल जाता है कि दुनिया में जो भी नियम बनाए हुए हैं या कोई भी गेम का नियम बनाया हुआ वो इंसानों ने म्यूचुअली कंसेंट से आपस में डिसाइड करके बनाया हुआ है, अगर कभी टाइम आया तो हम इसमें चेंज भी ला सकते हैं, ठीक है। सो द चाइल्ड वे ऑफ थिंकिंग इज एट इट्स मोस्ट एडवांस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे की थिंकिंग बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है, बच्चा क्या मच्योर हो जाता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल इवोल्यूशन की, कि इसकी थ्योरी की क्रिटिकल इवोल्यूशन क्या कहती है। प्याजे व्यूज ऑन द पैटर्न ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर नॉट एज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल क्लेम्ड बाय हिम। प्याजे ने क्या कहा कि ये पैटर्न तो हर बच्चे में होता है, बट हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या यूनिफॉर्मली नहीं होता कि हर बच्चे में इसी एज में ये चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। कोई बच्चा क्या एक दो साल आगे पीछे कर सकता है इन चीज़ों, कुछ बच्चों के अंदर 3 साल में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ सकती है, ठीक है। कुछ बच्चों में क्या है 7 से 8 साल के बीच में क्या है वो बच्चा तब भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो बच्चों के अपने ऊपर क्या है, उनकी जीन्स के ऊपर, एनवायरमेंट और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज में क्या चीज़ सीखता है। तो क्या ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल क्लेम नहीं कर सकते हम इसे। ही इज थ्योरी इज बेस्ड ऑन डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ यूरोपियन चाइल्ड एज दे ग्रू अप इन 1920, 1930 एंड 1940। इन्होंने डिटेल ऑब्जर्वेशन यूरोपियन बच्चों के ऊपर की थी जो कि 1920 में 1930 में और 1940 में पैदा हुए थे, तब से लेकर के आज की जनरेशन के बच्चे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, एनवायरमेंट में चेंज आ चुका है, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो हम इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो क्या है, आगे बात करते हैं। द पियाजियन व्यू दैट द थिंकिंग प्रोसीड्स इज डिस्टिंक्ट स्टेज हैज़ ऑल्सो बीन सीरियसली चैलेंज्ड। इट हैज़ बीन फाउंड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट परफॉर्मेंसेज एट पर्टिकुलर एज इज यूजुअली वेरी अनकंसिस्टेंट, तो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट होती है। पियाजे क्लेम्स दैट चिल्ड्रंस बिलू द एज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस आर इनकैपेबल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग कीन रिफ्यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज। पियाजे ये कहता है कि जो बच्चा होता है क्या करता है, अगर कंक्रीट एज में है तो बच्चा क्या है लॉजिकल थिंकिंग लगा पाता है, बट रिसर्चर इस चीज़ को क्या करते हैं रिफ्यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। सो पियाजेस थ्योरी हैज़ हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्राइव्स एंड मोटिवेशंस इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी को हम यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनको ड्राइव देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पियाजे थ्योरी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन करिकुलम प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द स्कीम्स ऑफ स्टडीज। हम इससे क्या कर सकते हैं, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है बच्चे किस स्टेज में कितना सीख सकते हैं, तो हम बच्चे को उसी के एज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं करिकुलम को प्लान करते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो हम उसको 10th क्लास के अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसको उसी की उम्र के अकॉर्डिंग जब बच्चों को क्या कर रहा है करिकुलम को डेवलप किया जाता है, वही सब्जेक्ट और वही कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं जो वो उस उम्र में सीख सकता है। देन स्कीम्स ऑफ स्टडीज, आगे इट प्रोवाइड्स अ सूटेबल फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक सूटेबल फ्रेमवर्क को तैयार किया जा सकता है। एक्सपीरियंस इन व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नीड एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की नीड ध्यान में रख करके और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जा सकते हैं। पियाजे थ्योरी हेल्प्ड एजुकेटर्स पेरेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स टू कॉम्प्रीहेंड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रंस इन द डिफरेंट स्टेजेस। ये क्या एजुकेटर्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को हेल्प करती है, पेरेंट्स को भी हेल्प करती है और इन्वेस्टिगेटर को भी हेल्प करती है कॉम्प्रीहेंड करने के लिए क्या कि कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफरेंट स्टेजेस, बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है अलग अलग स्टेजेस में। आगे क्या है, पियाजे मेड अस कॉन्शियस विद द वे चिल्ड्रंस अडल्ट थिंग्स। बच्चा पियाजे ये बताता है कि बच्चा और जो एक वयस्क होता है
कैसे थिंक करता है, कैसे चीज़ों को सोचता है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है. अ लॉट ऑफ स्कूल्स प्रोग्राम्स हैज़ बीन रीडिजाइंड टेकिंग एज बेस प्याजेस डिस्कवरी. प्याजे की डिस्कवरी को ध्यान में रख करके बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर में रीडिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर को चेंज किया. प्याजे मेड अ रिवोल्यूशन विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कंसनट्रेटिंग ऑल हिज अटेंशन ऑन द मेंटल प्रोसेस एंड द रोल ऑफ द बिहेवियर. प्याजे ने बहुत ज़्यादा क्या किया, रिवोल्यूशन लेकर के आया डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे, एंड कंसनट्रेटिंग हिज अटेंशन ऑन द मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस पर और बिहेवियर पर क्या है, उसने बहुत ज़्यादा क्या किया, ध्यान दिया, अटेंशन दी. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू गाइज. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.